हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की कुछ वीडियोस। और बहुत दिन से हमने एंजॉय नहीं किए हैं इनकी ये वीडियोस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। आसान सा सवाल है कि वो कौन सा जानवर है जो दवाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता? पाकिस्तान में या बाहर? पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी। नवाज शरीफ। दोस्तों, हमारे कुछ मुहिब्बे वतन सियासतदान लंदन ऑस्ट्रेलिया में अपने फ्लैट बना रहे हैं, जबकि एक गद्दार कराची में तीसरा खैराती कैंसर अस्पताल बना रहा है। चलें, ये सियासतदान तो अपने फायदे के लिए पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन हंसी तो पटवारियों पे आती है जो अपना नुकसान करके ही खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। पटवारी दुनिया की वो वाहिद कौम है जो खोते से धोखा खाते हैं और धोखे से खोता खा जाते हैं। धोखे से खोता भी खा जाते हैं। 75 साल गुजर गए, लेकिन पाकिस्तानी कौम की अभी तक आंखें नहीं खुली। इन्हें अभी तक ये पता नहीं चल सका कि हक क्या है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हक की पहचान नहीं कर सकते तो बातल के तीरों पर नजर रखो, जहां पर लग रहे हूं वही हक है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी हो या फिर उर्तुगरल, टीपू सुल्तान या फिर नूरुद्दीन जंगी, सबका ताल्लुक इस्लाम से था। और एक ये है हमारे सुल्तान फरारुद्दीन करप्टगल, आपका ताल्लुक लाहौर के मशहूर कबीले खाऊ कबीले से है। अगर इनकी बहादुरी और हिस्ट्री की बात की जाए तो फ्राई पैन से स्त्री और बगैर निकाह के हम बिस्तरी, ये है जनाब की हिस्ट्री। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान को गुनाह की आदत हो जाती है तो उसे गुनाह गुनाह नहीं लगता। ऐसे ही जैसे हमारे सियासतदानों को करप्शन करप्शन नहीं लगती। ये दुनिया के वो वाहिद सियासतदान हैं जो करप्शन को सवाब समझकर करते हैं। करप्शन का ये दावा दुनिया का वो वाहिद दावा है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदान ही कर सकते हैं। जैसे की पीपल्स पार्टी के सरदार अब्दुल कयूम का ये वीडियो देखे। एक MNA, कोई एक रुकन, कोई आपने अपना एक कारकुन निकाला हो करप्शन की बेस पे, कोई एक आपकी हिस्ट्री में है ऐसी बात? यार, करप्शन पे हमारा हक नहीं है, औरों का है। जब एक कल्चर बन चुका है, आपका हक है। बिल्कुल हक है, देखिए जिन्होंने किया अब ये कल्चर बन गया है। अगर जो नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। अरे, हजार में से एक आदमी अगर करप्शन नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है। दोस्तों, नवाज शरीफ की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तानी सरहदों को तोड़ते हुए अब ये अफ्रीका तक पहुँच गयी है और अफ्रीका के लोगों ने भी नवाज शरीफ को चोर कहना शुरू कर दिया है। ये गाना गवाया है किसी ने। दोस्तों, हकीकी गद्दार तो वो लोग हैं जो अपनी ही फौज पर तनकीद करते हैं, वो फौज जिसने हमारे लिए हजारों कुर्बानियां दी हैं। अगर देखा जाए तो जरदारी और नवाज शरीफ ने माजी में पाक आर्मी पर सबसे ज्यादा तनकीद की है, यहाँ तक कि जरदारी ने तो पाक फौज की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया था। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो, अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारे, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हम में रहना है। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, इस बात का पता नहीं कि हमारी कौम की जहालत कब खत्म होगी। लोग नवाज शरीफ के हाथ से जन्नत के टिकट ले रहे हैं और इन जनाब ने तो बड़ा दावा कर दिया कि अगर नवाज शरीफ का चेहरा देख लिया तो समझो जन्नत मिल गई। सियाने सही कहते हैं, जहालत से बेहतर मौत है। मुझे ये बताएं, कह रहे थे कि कुछ जन्नत वन्नत के टिकट मिल रहे हैं। जन्नत के मियां साहब की चेहरा देख लिया, समझो जन्नत का टिकट मिल गया। जन्नत का टिकट कैसे? मियां साहब से मोहब्बत है ये जो आगे दरवाजा। दोस्तों, ये बात हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फहाशी मरियम नवाज ने फैलाई है। गिराज के सानेहे से लेकर गंदी वीडियोस तक का सफर मोहतरमा ने बड़े एहसन अंदाज में तय किया है। चलो, ये बात मान लेते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान मरियम नवाज की खातिर हक की बात नहीं करते, लेकिन मौलाना साहब के इन चेलू को क्या हुआ? इन्होंने तो जहालत की इंतहा कर दी। इस मौलवी ने तो अजीबो गरीब दावा कर दिया। आखिर जिस औरत ने मुसलमान होना है तो वो मरियम नवाज को देख ले। इसकी मिसाल ऐसी है कि जिसने भी तौबा करनी हो वो मोहतरमा मियाँ खलीफा की ज़ियारत कर ले। मिल्लत क्यों कहा? वो मादरे मिल्लत फातिमा जना के बाद अगर कोई चीज नजर आती है तो बीबी मरियम नवाज के अंदर आती है। बीबी मरियम नवाज जो है, जब जिस भी जलसे में आए, किसी औरत ने अगर किसी लड़की ने मुसलमान होना है तो वो कोई भी जलसा मरियम बीबी का उठाकर देख ले। जब मरियम बीबी चलती है तो शरई लिबास के अंदर बाहया होकर चलती है। ऐसा क्या है उसमें? आज के अंदर बाहया होकर चलती है तो उसको देखकर जो है वो इंशाल्लाह जो है मुसलमान होगी, और उसके तरीकों पर अगर मरियम बीबी के चलेगी तो वो जन्नत में जाएगी इंशाल्लाह। अगर दोस्तों, नवाज शरीफ ने कभी भी अच्छी सियासत नहीं की, जब भी सोचा अपनी जेब और अपने बच्चों के बारे में। इन जनाब का बस है तो ये सियासत में तमाम ओहदे अपनी बेटी और अपने बेटू को दे दे।
जन्नत का टिकट नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ की जलसे का टिकट जन्नत तक पहुँचता। अमीर मकाम का उनकी सीट पर बैठना नवाज शरीफ से बर्दाश्त न हुआ। बड़े तरीके से अमीर मकाम को गाड़ी से उतारा, मरियम को उनकी जगह बिठाया और पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए। अमीर अरे उतार दिया, अपना सा मुँह लेकर रह गए। बेइज्जती दोस्तों, मरियम औरंगजेब शायद नून लीग में वो वाहिद सियासतदान है जिसे नून लीग के अपने लोग ही नहीं मानते और इसकी बोंगियों पर इसका मजाक बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मरियम औरंगजेब का एक आशिक निकल ही आया जो मरियम औरंगजेब की आमद पर अकेला ही फूल बरसाता रहा, हालांकि बनते इसके जूते थे। अकेला ही बरसाता रहा। ये बहुत रोई होंगी घर जाकर कि इनका भी कोई फैन हो सकता है। दोस्तों, हर तरफ से पटवारी को सबसे बड़ा ताना जो मिलता है वो खोता बिरयानी का मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ खोता बिरयानी खाने के लिए ही जलसों में जाते हैं और सिर्फ एक प्लेट बिरयानी के लिए नवाज शरीफ को वोट दे देते हैं। इस वीडियो में नदीम मलिक ने आगे शेर अली की बत्ती गुल कर दी। मेरे लोग आए, कोई बिरयानी पे भी नहीं आया, कोई इनके लोग आते होंगे बिरयानी पे, मोटरसाइकिल पे इनके लोग लाए गए, हमारे लोग, मैं मलिक साहब लेकर आया अल्लाह के फजल से फैसलाबाद से। लोग बगैर बिरयानी के कोई नहीं आता जलसा जी, बगैर बिरयानी के कोई नहीं आता। मुझे बताएं कि अब जो आपके साथी दोस्त आते हैं उनको भूखा मारे नहीं आते, वो बसों के ऊपर जो है ना देखे रख के साथ आया। अब मैं अपने साथी को, इसमें कौन सी ऐसी बात, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको लुकाकर। अब जरा नवाज शरीफ की इन मऊ बहनों को देखें जो नवाज शरीफ के जलसे में डांस करने के लिए नहीं बल्कि नमाज पढ़ने आई हैं। ये बड़े आराम से बैठकर नवाज शरीफ के कुल पढ़ रही हैं। इन्हें जन्नत की टिकट भी चाहिए और एक अदद प्लेट खोता बिरयानी की भी। 1-5 के लिए आएंगे या जन्नत के टिकट के लिए? 1-5 जन्नत के टिकट के लिए। जन्नत के टिकट के लिए। आंटी आप क्यों आई हैं जलसे में? आप जन्नत के टिकट से? जन्नत के टिकट के लिए? हाँ जी। क्या लगता है मिल जाएगा? मिल जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह होगा ना मिलेगा। आप क्यों आई आंटी जलसे में? जन्नत के टिकट से। वाह दीदी। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि चोर मचाए शोर, लेकिन यहाँ पर तो चीनी चोर ही शोर मचा रहा है। इस्तेहकाम पार्टी के जलसे में अलीम खान ने आवाम को ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि जिसे सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। मतलब लंबी लंबी छोड़ने में ये भी सबका बाप निकला। गरीब बेचारे रह जाएंगे। जो है वो 50,000 रुपए महीना होगी। हमारे जो किसान है जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त होगी। अकेला नहीं छोड़ेंगे, गरीब के साथ खड़े होंगे, मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। पंजाब का बेटा, पख्तूनख्वा का बेटा, वो सिंध का बेटा, बलोचिस्तान का बेटा, कश्मीर का बेटा, गिलगित का बेटा, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म। बकवास बंद कर। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ये थे फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की कुछ वीडियोस। मुझे तो लग रहा है कि जन्नत का टिकट भाई ले ही लेना चाहिए सबको, और हमारी भी थोड़ी सी कुछ सोर्स वोट्स लगाओ यार। जन्नत किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और जो बंदा देश से भागा हुआ हो, जो बाहर जाकर इलाज करा रहा हो अपनी कंट्री में, उसके केस चल रहे हों, लाखों करोड़ों का घपले वाले केस चल रहे हों, तो ऐसे बंदे के पास जन्नत का टिकट आया कहाँ से भाई? वो जन्नत का टिकट कह रहा है कि बांट रहा हूँ मैं, मिल जाएगा, और कोई कह रहा है कि जन्नत का टिकट ऐसे ही मिल गया मुझे, मैंने उनको देख लिया। तो यार ऐसे बंदे को देखकर जन्नत मिल रही है इतनी आसानी से, वाह। बाकी सब तो बेकार हैं जो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये लड़कियां औरतें कह रही हैं जन्नत के टिकट के लिए आई हैं, यार कैसे पागल लोग हो गए हैं यार, उनके दिमागी बिल्कुल ख़राब हो गया है। लोग कह रहे हैं भाई मैंने उनको देख लिया है तो जन्नत का टिकट मिल गया, लड़कियाँ कह रही हैं जन्नत का टिकट के लिए आए हुए हैं। जन्नत का टिकट मतलब क्या, क्या है क्या जन्नत का टिकट भाई? क्या कोई शो चल रहा है क्या? 3-9 वाला की टिकट लेने आए हैं और भाई देख के चले जाएंगे, ले मिल जाएगा, हद कर दिया यार। तो मज़ेदार वीडियो था, मैंने इन्जॉय किया इस वीडियो को, बहुत ही तगड़ा। मतलब नॉनसेंस वाली बातें होती है ना, उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है जब कोई बेवकूफ़ियाँ करता है, और उसकी जंड भी होती है। और जैसा कि औरंगज़ेब वाला सीन था, जो सिंगल एक बंदा उनको फ़ैन मिला होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई होगी वो कि मेरा भी कोई फ़ैन हो सकता है, पता नहीं किसने भेजा था या उन्हीं किसी ने उन्होंने ही उनको पैसे दे दिए होंगे, क्या पता कि भाई मुझ पर फूल बरसा देना, वाह वाह हो जाएगी। सो फिलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय।